दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अनुभव सुशु कुमार वेलकम करता हूँ चैनल की रिसर्च। इसमें हमारा मोटो होता है कि आपको ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए हर एक तरीके की रियल इस्टेट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज से पहले आपने हमारा कई सारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट्स देखा होगा, जिसमें हमने फ्लैट्स का वीडियो आपको दिखाया होगा एंड उसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी। आज मैं बिल्कुल एक अलग तरीके का फ्लैट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। डेफिनेटली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में आपने कहीं कभी डुप्लेक्स का नाम नहीं सुना होगा। अगर डुप्लेक्स की कभी हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम या तो रॉ हाउस की बात करते हैं या तो हम विला की बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ही डुप्लेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कोई है जहाँ पर आप डुप्लेक्स फ्लैट के बारे में सोच रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखें। ये वीडियो आपकी ही ज़रूरत को पूरी करने वाली है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा दूर नहीं, नोएडा के बिल्कुल स्टार्टिंग सेक्टर में, एक ऐसे सेक्टर में आ गया हूँ 134 सेक्टर में, जो कि जेपी विश टाउन के अंदर जेपी क्लासिक का एक प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ डुप्लेक्स में अपार्टमेंट ही मिलने वाला है। यहाँ पे जो साइजेस होने वाले हैं वो 3 BHK 4 BHK के मिक्सअप साइजेस होने वाले हैं। 3 BHK का नॉर्मली 1550 स्क्वायर फीट का साइज़ है, जो कि आप एक रॉ फ्लैट इस वीडियो में देखेंगे जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, बिना लेट किए चलते हैं तरफ फ्लैट की तरफ और आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ रिलेटेड टू द फ्लैट। सो राइट फ्रॉम हियर दोस्तों, दिस इज़ द लिफ्ट एंड लॉबी पार्ट। तो आप देखें, हर फ्लोर पे 3 लिफ्ट मिलता है आपको, जिसमें से 2 आपके पैसेंजर लिफ्ट हैं एंड 1 आपको सर्विस लिफ्ट है। हर फ्लोर पर आपको ऑलरेडी फैमिली रहते हुए दिख जाएगी। डेफिनेटली फैमिली ने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, जो भी स्पेस कॉमन स्पेस उनके अंदर आता है। सो वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू अ वन ऑफ द फ्लैट एंड दिस इज़ 1550 स्क्वायर फीट फ्लैट ऑफ डुप्लेक्स। सो दिस इज़ द लॉबी एरिया। काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ओपन स्पेस है, आप देख सकते हैं। इतना ओपन स्पेस हार्डली ही आपको किसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर्स में मिलता होगा। आपने पूरे नोएडा में घूमे होंगे, आपने देखा होगा हार्डली ही इतना स्पेस ओपन होता है। आप देख रहे हैं सनलाइट कितनी अच्छी आ रही है, वेंटिलेशन कितना प्रॉपर है यहाँ पे। तो जेपी की कई सारी खूबियाँ हैं जो कि जेपी के प्रॉपर्टी में आपको मिलती हैं। एंड डेफिनेटली इसके साथ ही सिर्फ खूबियाँ ही नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं। हर एक प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉज एंड कॉन्स सभी जगह आपको मिलता है। सो दिस इज़ द जस्ट एन एंट्रेंस पार्ट ऑफ दिस डुप्लेक्स 3 BHK फ्लैट। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया, अच्छा स्पेसियस है, सेपरेट बना हुआ। सो दिस इज़ द लिविंग एरिया अटैच विद द बालकनी। अभी आप बालकनी से देखेंगे काफ़ी अच्छा व्यू आएगा नीचे का। एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं छोटा सा, किचन के सामने ही। तो किचन भी अगर आप देखें तो क्लोज्ड किचन है। यहाँ पे आपका फ्रिज रखने का स्पेस प्रॉपर बना हुआ है और एल शेप में ये किचन का ग्रेनाइट टॉप है आपका। एंड दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। अभी हम लोग बेडरूम कवर करेंगे। सबसे पहले आप लिविंग एरिया से देख लें कि लिविंग एरिया से जो बालकनी है उससे क्या व्यू आता है। सो दिस इज़ द व्यू। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा क्लासिक जेपी क्लासिक का व्यू आपको नीचे मिल जाता है। काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे, ओपन स्पेस भी है। अगर आप सामने देखें तो ये क्लासिक हाइट है K01 एंड K02। एंड दिस इज़ द न्यू टावर ऑफ जेपी कॉस्मोस, जिसमें सेक्टर से जिसमें टावर 74, 75, 77, 73 ये आ जाता है। ये भी जस्ट अभी डिलीवर्ड हो रहा है, जिसमें से 73 ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। 77 में आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट एज वेल एज 4 BHK प्लस सर्वेंट के साइजेस मिल जाते हैं देखने को। एंड ये सारा क्लासिक का पार्ट है, बी ब्लॉक, जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। जैसे दोस्तों हम बालकनी के अंदर आते हैं तो ये भी काफ़ी स्पेसेस है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने का स्पेस है, तो स्पेसेस बालकनी बोल सकते हैं। और जस्ट अभी आपने किचन देखा था, अभी हम लोग बेडरूम के अंदर चले। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम इन द ग्राउंड फ्लोर। जस्ट हमने यहाँ से एंट्री किया है, एंट्री करते ही हमने ये लिविंग एरिया कवर किया, ये हमने डाइनिंग एरिया कवर किया, इधर हमने किचन कवर किया है अभी, और जस्ट फर्स्ट बेडरूम पे एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करते ही आप देखें तो यहाँ पे स्पेस है,
जो कि मंदिर के पर्पज से दिया हुआ, आप इसे मंदिर बना सकते हैं या इसको काइंड ऑफ छोटा सा डेवलप कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं उन लोगों ने यहाँ पे मंदिर ही डेवलप किया हुआ है, और यहाँ से आपका मास्टर बेडरूम का वुडन फ्लोरिंग कंप्लीट होकर के मिलेगा। तो ये भी स्पेस आप देखें तो ठीक स्पेस है एक रूम के हिसाब से, और यहाँ पे आपको सामने वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है। और इस रूम में भी अगर आप देखें तो वेंटिलेशन के लिए फ्रेंच विंडो दिया हुआ है ताकि लाइट्स की प्रॉब्लम ना हो, एयरी फ्लैट है ये। और इसके साथ में एक अटैच वॉशरूम है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा रॉ फ्लैट है तो आपको थोड़ी सी गंदगी दिख रही है और कंप्लीट नहीं है यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग का काम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रीसेल यूनिट्स इस तरीके का भी फ्लैट है जहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एज वेल एज़ ऐसे भी फ्लैट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी इंटीरियर का काम किया हुआ है, वुडन फ्लोरिंग का काम किया हुआ है, मॉड्यूलर किचन का काम किया। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो एक छोटा सा आपको फैमिली लॉन्ज एरिया दिख जाता है। यहाँ पे इस स्पेस को काफ़ी अच्छे तरीके से आप कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। एंड यहाँ पे भी फ्रेंच विंडो दिया हुआ है वेंटिलेशन एंड लाइट के पर्पज से। सामने ही आपको जो दिख रहा है वो एंट्रेंस गेट है क्लासिक ए ब्लॉक का, एंड ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये बेडरूम आ जाता है, ये भी स्पेसियस बेडरूम ही है, और इसके साथ में अटैच वॉशरूम आ जाता है। देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको दो वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाता है, एक स्पेस एंड दो स्पेस, एंड दिस इज द अटैच्ड वॉशरूम। बाथ एरिया अलग से डिफाइन किया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ आप चाहें तो स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हैं। एंड इस फ्रेंच विंडो से भी अगर आप देखें तो नीचे का ही व्यू आता है। तो पूरा का पूरा फ्लैट अगर आप देखें तो काफ़ी प्लांड वे में बनाया गया है, एयरी फ्लैट है, हमेशा लाइट आते रहेगी, सनलाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस डायरेक्शन का फ्लैट है, डिपेंड करता है, अभी फ़िलहाल जो मैं कैप्चर कर रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में, लेकिन जो अवेलेबल यूनिट्स होंगे वो किस डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट बेडरूम एंड लास्ट बेडरूम ऑफ दिस डुप्लेक्स फ्लैट, ये भी अगर स्पेस आप देखें तो अच्छा स्पेस है ये। साइज़ वाइज साइज़ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में सारा मिल जाएगा, वहाँ पे फ्लैट का हर एक साइज़ मेंशन होगा कि किचन का क्या साइज़ है, लिविंग डाइनिंग एरिया का क्या साइज़ है, रूम के क्या साइजेस हैं, बालकनी का क्या साइज़ है, वॉशरूम का क्या साइज़ है, ये सारा कुछ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखें तो फ्रेंच विंडो कॉन्सेप्ट ही है जिसमें आपको अच्छा व्यू मिल जाता है, एंड इसके साथ भी अटैच टॉयलेट है। तो अगर मैं एक छोटा सा समरी आपको बताऊँ तो ये डुप्लेक्स में 1550 स्क्वायर फीट के डुप्लेक्स 3 BHK फ्लैट में आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, तीनों ही बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट है, उसके साथ में लिविंग कम डाइनिंग एरिया मिलता है और एक क्लोज किचन मिलता है। बालकनी की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग एरिया के साथ में बालकनी है, उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे आपको फ्रेंच विंडो ही मिलता है जिससे आपको फ्लैट के अंदर एयर मिलता है एज वेल एज लाइटिंग भी मिलती है। तो अगर आप अपने लिए एक फ्लैट का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट अगर 90-95 लाख रुपीज़ तक का है और आप सिंप्लेक्स फ्लैट नहीं चाहते हैं, कुछ अलग डिज़ाइन का फ्लैट चाहते हैं, देन डेफिनेटली JP विस्टाउन के अंदर JP क्लासिक इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जहां पे आपको डुप्लेक्स का ऑप्शन मिल सकता है। अदरवाइज पूरे नोएडा ग्रेटर नोएडा में जितने भी सेक्टर्स में आप कोई भी ग्रुप हाउसिंग देखेंगे कहीं पे भी डुप्लेक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज़ वन एंड ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे आपको डुप्लेक्स का ऐसा ऑप्शन मिल सकता है उसी प्राइस में जहाँ पे आप किसी और सेक्टर में 1500-1400 स्क्वायर फीट में 90 लाख रुपए में एक सिंप्लेक्स फ्लैट लेंगे, यहाँ पे आपको डुप्लेक्स फ्लैट मिल जाता है। डुप्लेक्स फ्लैट के अपने अलग प्रॉज एंड कॉन्स हैं, आपने जैसे देखा आपको एक प्राइवेसी एरिया मिल जाता है, अगर आपके घर पेरेंट्स हैं आपके पेरेंट्स हैं तो आप उनको ग्राउंड फ्लोर पे सेटल कर सकते हो, आप अपने लिए फर्स्ट फ्लोर पे
प्लान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो यहाँ पे कॉस्टिंग है वो लगभग 90-95 लाख रुपए कॉस्ट करता है, और इसके ऊपर ट्रांसफ़र रजिस्ट्री का भी अलग से कॉस्ट आता है। आप देखें, बनने के बाद प्रॉपर्टी एक अलग लुक में ही नज़र आती है। तो जेपी क्लासिक के अंदर मेनली आपको 2 BHK 3 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। 2 BHK का जो ऑप्शन है वो आपको 1140 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। 3 BHK का ऑप्शन आपको 1550 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ऐसे भी डुप्लेक्स हैं जो कि 4 BHK के भी हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे से टाइम टू टाइम कोऑर्डिनेट करें, वो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर योर कंसर्न एंड क्वेरी। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा जानकारी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस फ्लैट से रिलेटेड, वहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आज के टाइम में अगर मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो जेपी क्लासिक के अंदर आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एंड लैंडस्केपिंग पार्ट काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी काफ़ी अच्छा मेंटेन है, क्लब फैसिलिटी भी यहाँ पे मेंटेन है जिसमें आपको स्विमिंग पूल जिम की भी फैसिलिटी मिल जाती है। आसपास अगर लोकेलिटी में मैं बात करूं तो आसपास लोकेलिटी में 2 मॉल है जो कि ऑपरेशनल हो चुका है, जिसमें गुलशन 129 एंड पारस मॉल 133 में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जेपी हॉस्पिटल बिल्कुल पास में है, एंड स्कूल की तो डेफिनेटली यहाँ पे कमी है नहीं नोएडा एक्सप्रेसवे पे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको नियरेस्ट 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन मिल जाता है सेक्टर 137 का, और उसके अलावा यहाँ पे सारे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। आसपास के सेक्टर में सेक्टर 125, 126, 127, 135, 143 ये सारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे कई सारे IT कंपनीज हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रेंटल वैल्यू मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं देन दिस इज़ वन ऑफ द ओपन एंड ग्रीन सेक्टर जहाँ पे आपको इस बजट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आई होप दोस्तों इस फ्लैट से रिलेटेड मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया होगा जिसमें आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो पाए। इसके अलावा भी कुछ और आप जानना चाहें तो डेफिनेटली हमारी सेल्स एक्सपर्ट टीम से कोऑर्डिनेट करें, वो आपको कंसर्न के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत। आई होप दोस्तों मेरे दिए हुए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और आज मैं अगर आपको बताऊं तो जेपी विस्टाउन में कई ऐसे अपॉर्चुनिटी है रीसेल प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी जहां पे आप अपने लिए 2 BHK से लेकर के 4 BHK तक के ऑप्शंस आप यहां पे देख सकते हैं। एक ऐसी लोकेलिटी जो कि DMD के पास हो, दिल्ली बॉर्डर के पास हो, और जिसके आसपास में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की कमी ना हो, हेल्थ केयर जेपी हॉस्पिटल की कमी ना हो, या ऐसे और भी हॉस्पिटल्स हैं। इसके अलावा आपके बच्चों के लिए कई सारे इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आपको सभी तरीके की फैसिलिटी मिल जाएगी, एंड डेफिनेटली कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बिल्कुल सभी तरीके से परिपूर्ण ये सेक्टर है जहाँ पर आप अपने लिए आशियाना बना सकते हैं। आपकी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे सेल्स टीम से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।